हेलो दोस्तों, ये हैं मिस्टर कुमार और अभी जस्ट बियर बार से निकले हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है और बहुत ज़्यादा तेज़ गति से गाड़ी को चलाते हुए जस्ट इनका भी एक्सीडेंट हुआ है। और फिर इस प्रकार से क्या होता है जी, आप बता सकते हैं जिसका मोबाइल आप यहाँ पे चल रहे हो? जी बाबा, आपके बच्चों जी, उनका बच्चों रोड पे एक्सीडेंट हो गया जी। मैं तुमने अपने पति को अगर सही ढंग से समझाया नहीं, इसे आप भी के गाड़ी चलाना नहीं चाहिए। यदि तुम पहले अपने पति को सही ढंग से समझा देती तो आज तुम्हारा पति तुम्हारे साथ जिंदा होता। फिर भी अपने पिताजी को सही ढंग से समझाया नहीं कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना चाहिए। यदि तुम पहले अपने पिताजी को सही ढंग से समझा देते तो आज तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ जिंदा होते। तुम अपने भैया की तरफ मोड़े स्कूल इंटरव्यू करती हो, फिर भी अपने पिताजी को सही ढंग से समझाया नहीं कि मोबाइल फोन पर बातें करते करते गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। यदि तुम अपने पिताजी को सही ढंग से समझा देती तो आज तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ जिंदा होते। हमने एक योजना शुरू की है, चांदान योजना। उसके अनुसार मैं इसे 20 यही गलती की तो मैं इसे साथ यम लोग ले जाऊंगा। यम के हम, चलो अपना ठिकाना कहीं दूसरी जगह पे ढूंढ दे। यम के हम, चलो ये एक और गया। आप सभी दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है कि गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात ना करें। आज से संकल्प लेता हूँ, आज से कभी शराब पी के गाड़ी नहीं चलाऊंगा और मैं सब ट्रैफिक नियमों का पालन करूंगा। मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि मनुष्य जीवन ही अनमोल है। यम कह हमारा तो काम ही यही है, लोगों को मारना और अपने साथ ले जाना। यदि आप लोगों को मेरे से बचना है तो शराब पी के गाड़ी ना चलाए, मोबाइल फोन पर बात ना करें और हेलमेट पहन के गाड़ी चलाए। इसे तो जीवन दान मिल गया जानदान योजना के अनुसार, लेकिन क्या पता आपको ये जीवन दान मिले या ना मिले। इसीलिए ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्यों कहेंगे मनुष्य जीवन अनमोल है। धन्यवाद। आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि ट्रैफिक नियमों का पालन करूंगा। धन्यवाद।